हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आज हम ये छोटे छोटे से पाउच बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने एक क्विल्टिंग पीस ले लिया है, जिसमें सबसे नीचे मैंने लाइनिंग, बीच में फॉर्म और सबसे ऊपर ये हमने जो ब्लाउज़ पीस होता है उसका मेन फैब्रिक यूज़ कर लिया है। तो देखिए, इस पीस की जो विड्थ है वो है 6.5 इंच और लेंथ इसकी है 10 इंच। तो दो पीस हमने ले लिए हैं। अब एक पीस को हम यहाँ पर 1 इंच मार्क लगा के, एक स्ट्रेट लाइन लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली। अब मेरे पास ये साड़ी का बॉर्डर पड़ा हुआ था, जिसको कि हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, यहाँ पर भी और दूसरी साइड पर भी स्टिच कर लेंगे हम। तो देखिए, इस पीस पे भी हम यहाँ पर इस बॉर्डर को स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम ये एक स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप ले लेंगे, जिसकी लेंथ करीबन हमने 10 इंच ले ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो हमने ली है 1.5 इंच। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस किनारे को भी फोल्ड करके आपस में स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने ये स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप तैयार कर ली है। इसे हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर किनारे पर स्टिच लगा लेंगे। ऊपर से हमें करीबन 1 सेंटीमीटर छोड़ के स्टिच लगा लेनी है। अब देखिए, हमने 10 इंच की ये जिप भी ले ली है। तो इस जिप का एक साइड हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे और दूसरा साइड हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करने के बाद इसको हम यूँ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए, हमें इसे यूँ रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच लगा लेनी है। स्टिच करने के बाद हमने इसके कॉर्नर जो है हल्के हल्के ट्रिम कर लेने हैं और इसको राइट साइड की तरफ टर्न कर लेना है। कॉर्नर जो है निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो हम एक मोटी नीडल से इसको आराम से निकाल सकते हैं। किनारे को अच्छे से निकाल लेंगे और इस पर आयरन कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारा छोटा सा पाउच बनके तैयार हो गया है। कैमरे से ये ठीक से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, तो इस तरीके के बहुत से पीसेस बनाकर आप सेल भी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के DIY स्टिचिंग प्रोजेक्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये बिल्कुल ही फ्री है।